नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, सबकी निगाहें टिकी हुई है नागपुर के महाठग राजीव कुरैशी पे। दोस्तों, राजीव कुरैशी की PCR 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच नागपुर यूनिट 4 इसकी जांच कर रही है। दोस्तों, इससे एक बड़ी खबर यह भी आ रही है, सूत्र बताते हैं कि बालाघाट से इसके तार जुड़ रहे हैं और एक आरोपी जिसका नाम मनीष बताया जा रहा है उसको बालाघाट से गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, कुछ वर्ष पहले बालाघाट में भी सेम एज इट इज यही किस्सा हुआ और इसी की 2 कॉपी राजीव नागपुर में किया। सूत्र बताते हैं कि नागपुर में राजीव 2 वर्ष पहले आया और ये खुद प्रॉपर बालाघाट का है और बालाघाट में एक किस्सा पहले हो चुका है। इस प्रकार की ठगी बालाघाट में घटनाएं घट चुकी है। उस समय जब वहाँ के पुलिस ने काम किया, बालाघाट पुलिस ने जब इस पर कार्रवाई किया, तब बालाघाट के लोगों को ऐसा लग रहा था कि पुलिस उनके पैसे कार्रवाई करके डुबा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में ऐसा था कि पुलिस उनको डुबा नहीं रही थी, पुलिस उनको बचा रही थी, क्योंकि इसमें कई लोगों के पैसे लग गए थे, हजारों लोगों के पैसे वहाँ भी लग गए थे और कई हज़ार ऐसे थे जो पैसा लगाने के लिए तैयार थे। वहाँ भी लोगों को ये बताया जाता था कि फॉरेन में ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ऐसी स्कीम नहीं है दोस्तों जो पैसा डबल करते हैं। और इसलिए नागपुर में जितने भी लोग इसमें फंसे हैं, जिसके ठगी का शिकार हुए हैं, उन सभी से आग्रह है कि आप पुलिस स्टेशन में जाएं, क्राइम ब्रांच में जाएं और इसकी जानकारी दें। अगर आपके साथ ठगी हुआ है तो इसकी जानकारी दें। सूत्र बताते हैं कि ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पैसे, राजीव कुरैशी पैसे, इसके पैसे उसके पैसे रोटेट करता था। आपने दिया, उसने दिया, आपके दोस्तों ने दिया, 1 महीने पूरे हो गए, उसके पैसे इसके पैसे मिला करके उसको डबल कर देता ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। जब विश्वास हो जाता तो लोग उसके खुद ही पब्लिसिटी करते थे कि मेरे पैसे तो हो गए डबल, तुम्हारे भी हो जाएंगे, तुम्हारे भी करा दूंगा, और दोस्तों भाइयों और सबके करा दिए और सबने अपना सर्वस्व बेच करके, घर, जमीन, जायदाद, गहने सब बेच करके राजीव कुरैशी महाठग में पैसा इस स्कीम में लगा दिया। लेकिन अब आलम यह है कि ये सारे पैसे फ्रॉड किए जा रहे थे, महाठग किया जा रहा था। तो सभी से निवेदन है कि इस आस में ना रहे कि ये कोई स्कीम था। पुलिस ने समय रहते राजीव कुरैशी को अरेस्ट करके आप सभी को बचा लिया है। कई ऐसे लोग थे जो और डूबने वाले थे, उनको बचा लिया। तो आप सब पुलिस को सहयोग करें और राजीव कुरैशी ने अगर आपके साथ ठग किया है तो बेहिचक होकर जाएं और पुलिस में इसकी जानकारी दें। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 नागपुर इसकी जांच कर रही है। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। जल्द लौटेंगे नए खुलासे के साथ।